अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज मेंटोर, नॉलेज की दुनिया से एक और वीडियो। दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज का हमारा जो है वो सेशन चल रहा है, तो जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं इसके लिए वीडियोस बनाता जाता हूँ। आज की वीडियो में कुछ ख़ास तो नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं है, लेकिन ये वीडियो देखनी इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता चल सके कि क्या काम किस तरह से होता है। एटलीस्ट आपको पता चले कि जब हम स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करते हैं तो सामने डिस्प्ले में हमारे आगे क्या आता है। ये मैंने ऑलरेडी अपना एक आईडी लॉगिन किया हुआ है और इस आईडी पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है। ग्रीन का मतलब है जो है वो बाय कर रहे हैं, रेड का मतलब है वो सेल कर रहे हैं। ये कुछ कंपनीज़ हैं, ये आप डेस्कटॉप पर देख सकते हैं। अगर आप थर्ड कॉलम में जाएँ सिम्बल्स में, तो आपको वहाँ पर एक कंपनीज़ की लिस्ट नज़र आएगी। यहाँ पर ये हेस्कोल पेट्रोलियम है, हेस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड, ये उस कंपनी की लिस्ट है। इससे पहले ये ऊपर मार्केट वॉच लिस्ट है, ये वो वॉच लिस्ट है जो मैंने खुद बनाई है और मैं जिन जिन कंपनीज़ में ट्रेडिंग करता हूँ, जिनके शेयर्स परचेज एंड सेल करता हूँ, जिन पे मुझे ग्रिप है, वो सारी कंपनीज़ इसमें ऐड हैं। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग आपके सामने हो रही है, शेयर्स खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। ये किस तरह से आपको समझ आएगा कि क्या शेयर कब खरीदा कब बेचा, इसके लिए मैंने ये शॉर्ट लिस्ट बनाई थी ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो। तो इस शॉर्ट लिस्ट में आप देखें तकरीबन 8-9 कंपनीज़ हैं, सिर्फ यही कंपनीज़ मैंने ऐड की हुई हैं। हम फर्स्ट कंपनी में चले जाते हैं, ये हेस्कोल पेट्रोलियम है, ये इसका सिंबल है। आप इस पे जब कर्सर लेके जाएंगे तो ये हेस्कोल पेट्रोलियम है। ये ओपन का मतलब है कि ये 15 रुपये 18 पैसे में आज इसकी मार्केट ओपन हुई है। करंट इंडेक्स 14 रुपये 93 पैसे पे ये डील कर रहा है, यानी कि मार्केट जब ओपन हुई थी तो शेयर महंगा था, अब सस्ता है। 14 रुपये 93 पैसे करंट इंडेक्स जो है वो इस वक्त शो कर रहा है, यानी मार्केट इस वक्त इसकी लॉस में जा रही है। लास्ट का मतलब ये है कि जो लास्ट ट्रेडिंग हुई है, बाय हुआ है या सेल हुआ है, वो 14 रुपये 93 पैसे में। चेंज में आप देख सकते हैं -0.14 है, यानी 14 पैसे इसके शेयर की वैल्यू गिर चुकी है। जब ये प्लस में होता है तो 7 प्लस का साइन और ग्रीन कलर में आता है, जैसे कि आप नीचे वाली कंपनीज़ में देख सकते हैं। बाय वॉल्यूम में जो इस वक्त है वो 35,500, यानी कि कोई है जो इस अब ये 5,500 हो गया है। ये ऑनलाइन ट्रेडिंग है, चेंज होता जाएगा मेरे बोलते बोलते ही, अब 26,000 है, फिर 5,500 है। ये बाइंग वॉल्यूम है कि कोई इतना शेयर ख़रीदना चाह रहा है, और साथ में बाय रेट है कि किस रेट पे वो ख़रीदना चाह रहा है। इसी तरह सेलिंग रेट है, 14 रुपये 91 पैसे आप देख सकते हैं सेलिंग रेट, जो जिस शेयर रेट पे ख़रीदना बेचना चाह रहा है। और सेलिंग वॉल्यूम है, साथ टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम में आप देखें 59,42,000 की फ़िगर है कि सुबह से अब तक इस मार्केट इस शेयर की 59,42,000 जो है वो टोटल वॉल्यूम उसका ट्रेड हो चुका है। लास्ट वॉल्यूम 5,000 है। टोटल ट्रेड का मतलब है कि कितनी ट्रांजैक्शन अब तक हुई हैं, 1,386 ट्रांजैक्शन हैं। ये लास्ट ट्रांजैक्शन का टाइम है 11:25:07। नीचे आप मेरे सिस्टम में आएँ तो आपको यही टाइम नज़र आएगा। हाई पे का मतलब है कि मैक्सिमम इस शेयर की वैल्यू 15 रुपये 19 पैसे तक गई है, इससे ज़्यादा अभी तक महंगा नहीं। लो में फिर साथ लोअर लिमिट आ जाती है कि आपका शेयर कितने आज के दिन में कितना लो गया है। ये नीचे यूनिटी फूड्स है, इसको भी आप इसी तरह चेक कर सकते हैं। इसके नीचे PIA है, PSO है, मैपल लीफ है, पाइनियर सीमेंट है, और ये 7-8 कंपनी की मैंने लिस्ट बनाई हुई है। ये इन कंपनीज़ की, ये आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग शो करने का मतलब ये है, इसका मकसद ये है कि आपको पता चले कि जब आपके सामने सिस्टम खुला हुआ होता है तो आपने जब फैसला करना है कि कौन सा शेयर उठाना है कौन सा शेयर नहीं उठाना, तो वह आपने मार्केट वैल्यूज़ पे देखना होता है कि मार्केट में इस वक्त शेयर की वैल्यू क्या चल रही है। ठीक है, मार्केट को देखते हुए आपने ये कंपैरिजन करना होता है। हम आपको एक प्रॉपर तरीका भी बताएंगे कि आप किस तरह से आप ये कंपैरिजन करते हैं, कैसे चांसेस ज़्यादा होते हैं कि मार्केट बेहतर हो। अब टॉप की बार पे हम आ जाते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बार है। इसमें 6-7 तरह की ये बार में ऑप्शंस आ रही हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये मिडिल में लेके जाऊंगा। ये KSE 100 इंडेक्स, हमें 100 इंडेक्स में डील करते हैं।
ये इस वक्त 38.13 पॉइंट्स माइनस में है, यानी मार्केट इस वक्त माइनस में जा रही है। साथ में 0.11% माइनस, यानी कि मार्केट इतने परसेंट गिर चुकी है। ये जो है वो टोटल मार्केट की पोजीशन है कि 34,117.90 पर ट्रेड कर रही है, ऊपर 36,69,21,189 टोटल वॉल्यूम है कि इस वक्त टोटल तमाम कंपनीज़ के इतने शेयर्स हैं वो ट्रेड हो चुके हैं। इसके लेफ्ट में जो है वो KSE 30 इंडेक्स है, उसकी भी डिटेल्स हैं कि -42 पॉइंट्स पर जा रही है और मार्केट जो है वो उसकी भी माइनस में जा रही है। ज़ाहिर है अगर 100 इंडेक्स जा रही है तो मोस्ट प्रोबेबली 30 इंडेक्स भी माइनस में ही होगी। तो ये ऑनलाइन सारी फिगर्स आपके सामने हर एक नैनो सेकंड में चेंज हो रही हैं। 14,885 आप ये फिगर देख सकते हैं, ये इसकी टोटल मार्केट वैल्यू है। ऊपर शेयर्स हैं 1,67,86,362 शेयर्स अब तक ट्रेड हो चुके हैं। तो इस तरह से हम मार्केट को वॉच करते हैं। अगर आपने अपनी मर्ज़ी की कंपनीज़ हैं वो भी आप डाल सकते हैं। टॉप लेफ्ट में आप आएँ बाय ऑर्डर। अब हमें आपको बताएंगे कि किस तरह कोई शेयर ख़रीदा जा सकता है। यहाँ पर सबसे पहले आप वॉल्यूम मेंशन करेंगे, कितने शेयर्स आप उठाना चाह रहे हैं। मैंने 500 कर दिया, सिंबल किस कंपनी का है, जिस कंपनी का शेयर है उसका सिंबल लिखेंगे। मैंने PSO लिख दिया, पाकिस्तान स्टेट ऑयल का ये शेयर है जो मैं ख़रीदना चाह रहा हूँ। इसकी प्राइस जो है वो आप देख सकते हैं कि टॉप राइट पे इस न्यू विंडो में जो लोअर लिमिट है वो 149.86 है। इसका मतलब है कि आप इससे कम रेट पे ये शेयर आज के दिन नहीं ख़रीद सकते, चाहे कितनी ही मार्केट डाउन हो जाए। इसी तरह अपर लिमिट है 174.16। इसका मतलब ये है कि आप इससे महंगा शेयर नहीं ख़रीद सकते, ना ही बेच सकते हैं। ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट है। आज के दिन में PSO की मार्केट इसी रेट के इन बिटवीन जो है वो ट्रेड करेगी, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पर हमने प्राइस फिलअप करनी है, 163.40 इसलिए आ रहा है ऑटोमेटिकली क्योंकि इस वक्त शेयर की वैल्यू जो है वो यही इसके राउंड चल रही है। जब हमने इस न्यू विंडो को खोला था तो वैल्यू ये थी। लेट सपोज़ मैं कहता हूँ मैं 162 रुपये में ये शेयर ख़रीदना चाह रहा हूँ। मेरी जजमेंट है कि 162 में बेहतर रहेगा, 162 करके इसको बाय करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं अपना जो है वो कोड लगा दूँगा। तो कोड मैं इस वक्त नहीं लगा रहा क्योंकि ये फिर बाइंग में चला जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ, इसको बहुत लिमिट के लो कर देता हूँ, 152 करके मैं इसको बाय पे करता हूँ क्योंकि 152 में इस वक्त कोई नहीं बेचेगा इसको। कोड लगा के मैंने सेंड किया। इस बार ये नीचे आप देख सकते हैं ऑर्डर कंफर्मेशन है। नीचे उसने कहा है कि इनवैलिड ऑर्डर। इनवैलिड ऑर्डर का मतलब ये है कि मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है अकाउंट में, 75,000 ऑलमोस्ट चाहिए मुझे ये शेयर्स ख़रीदने के लिए और जो मेरे पास इस वक्त अकाउंट में है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस शेयर को नहीं ख़रीद सकता। लेकिन अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो फिर ये मेरे ट्रेडिंग में जाकर मेरे ऑर्डर्स में ये मेरा ऑर्डर जो है ये पैच हो जाना था, जैसा कि ये मैंने आपको खोल के दिखाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे ऑर्डर खुल गए हैं। ऑर्डर स्टेटस जो है रिजेक्टेड आ रहा है। रिजेक्टेड इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे पास इतने अमाउंट नहीं है। अगर अमाउंट होती तो यहाँ पर स्टेटस एक्टिव आना था। इस तरह से ये ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाता है। जैसे ही मार्केट 152 के राउंड आएगी और कोई सेलर इस रेट में मुझे शेयर बेचना चाहेगा तो ये शेयर ऑटोमेटिकली उठाया जाएगा। ये ऑर्डर सिर्फ आज के दिन मार्केट क्लोज होने तक है, उसके बाद ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह ऊपर हम सेलिंग में जाएंगे। अगर हमारे पास कोई ऑलरेडी शेयर पड़ा हुआ है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ 500 वॉल्यूम मेंशन किया, PSO का मैं 500 बेचना चाह रहा हूँ, ये इसकी प्राइस है, ये आपके सामने आप इसको भी देख सकते हैं। प्राइस में मैंने वो प्राइस मेंशन करी जिस पे मैं सेल करना चाह रहा हूँ। मैंने सेल पे क्लिक किया, यहाँ पर फिर उसी तरह से कोड लगेगा लेकिन मेरे पास इस वक्त PSO के कोई शेयर है नहीं इसलिए वो भी वही कमांड एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसका सारा का सारा मकसद ऑनलाइन ट्रेडिंग का इस वक्त सिर्फ इस वीडियो का पर्पस यही था कि आप ये देख सकें, जिन्होंने कभी ऑनलाइन ट्रेडिंग होते हुए नहीं देखी वो ये देख सकें कि आखिर ट्रेडिंग होती कैसे। आप अपनी मर्ज़ी की वॉच लिस्ट बनाते हैं जिसमें आप अपनी मर्ज़ी की कंपनीज डालते हैं, उनके शेयर्स फिर ऑटोमेटिकली जो अप एंड डाउन चलता रहता है वो आपके सामने इस तरह स्क्रीन पे आ जाते हैं। ये वो जिस कंपनी के साथ मैं काम कर रहा हूँ उस कंपनी का ये सॉफ्टवेयर है, आप जिस कंपनी के साथ भी काम करेंगे उनका अपना सॉफ्टवेयर होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें मिलती जुलती ही होंगी।
अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।